शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी पठान का गाना रिलीज होते ही फिल्म चर्चाओं का विषय बन गई है। मूवी के गाने बेशरम रंग को लेकर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग मूवी को बैन तक करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस बात पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ही सेड, हमारे समय की सामूहिक कहानी को सोशल मीडिया ने आकार दिया है। इस विश्वास के विपरीत कि सोशल मीडिया सिनेमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, मेरा मानना है कि सिनेमा को अब और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। शाहरुख खान ने आगे कहा, सोशल मीडिया अक्सर देखने की एक निश्चित संकीर्णता से प्रेरित होता है जो मानव स्वभाव को उसके आधार तक सीमित करता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि नकारात्मकता सोशल मीडिया की खपत को बढ़ाती है, इस तरह इसके व्यावसायिक मूल्य को भी बढ़ाती है। इस तरह की कोशिशें कलेक्टिव नैरेटिव को कम करती हैं, जो इसे आगे जाकर विभाजनकारी और विनाशकारी बनाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं, आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब में सब जिंदा है। आपको बताते चलें कि हाल ही में पठान मूवी का गाना रिलीज हुआ था, जिसमें SRK और दीपिका की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। खैर, गाने में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी में भी नजर आई थी, जिसके बाद कुछ लोग गाने और मूवी का विरोध करने लगे। आप हमें स्टोरी पर अपनी राय बताना ना भूलें। फॉर मोर सच कंटेंट डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स टू bollywoodlife.com।